कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हो हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नरते हैं सपने हु नहीं जाई, राम शिया राम शिया राम जय जय राम। जो भगवान हरि और हर से विमुख हैं, अर्थात जो भगवान शिव और भगवान राम की कृपा से विमुख हैं, वो वहां सपने में भी नहीं जा सकते। क्या है? परम रम्य गिर वर कैलाशु, सदा जहां शिव उमा निवासु, राम शिया राम शिया राम जय जय राम। हो गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, राम शिया राम। भगवान गौरी शंकर को माता और पिता मानकर जब यात्रा वर्ष 2001 में मैंने आरंभ की, तो मैंने पाया कि कैलाश में सदा उमा और शिव का निवास है। उमा और शिव का निवास का यथार्थ क्या? कि वहां श्रद्धा और विश्वास का निवास स्थान है। जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां भगवान गौरी शंकर है। रमणीकता क्या? रमणीकता इन दो आंखों से देखने का विषय नहीं। रमणीकता को हम अनुभूति कर सकते हैं, रमणीकता की हम मन में उमंग एहसास कर सकते हैं। रमणीकता को मैं कहूंगा ये एक तीसरे नेत्र से देखी जा सकती है, और तीसरा नेत्र है करुणामयी भाव। जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में करुणा का भाव है, उसके हृदय में करुणामयी शिव का अवतार इस कैलाश यात्रा के दौरान अवश्य होता है। अर्थात करुणा नहीं है तो कैलाश यात्रा उसमें कोई जाने का फायदा नहीं, लेकिन करुणा है तो करुणापति का अवतार होगा। यह यात्रा मूलतः शिव तत्व का विमोचन है। ऐसी पावन यात्रा है जो अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है, लेकिन उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान शिव, जो हम ऐसा लगता है कि वो कैलाश में डेरा जमा के बैठे हैं और मेरे यहां नहीं है, इस दूरी को भी मिटाना होगा। मैं कैलाश यात्रा को 27 दिन में पूरी कर पाया, लेकिन कैलाश यात्रा के महत्व को 14 वर्ष में समझ पाया। मूलतः कैलाश यात्रा देह से देवत्व की एक अलौकिक यात्रा है, जो इस मानव देह को देवत्व की ओर ले जाती, जो इस मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाती, जो किसी पथिक को देवालय में एक देव के रूप में स्थापित करती है। लेकिन कब? जब सबसे सर्वप्रथम हम ये जान लें, कैलाश में जाने से पूर्व भगवान शिव और हमारा तारतम्य, भगवान शिव और हमारी निकटता कितनी नजदीक है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात अब इसका विमोचन यदि हम इस करें, कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे शिव जो मेरे चेहरे पर कपूर जैसी चमक है वो तुम हो।
इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? मेरे चेहरे पर एक चमक है, लेकिन यदि अभी मेरी मृत्यु हो जाए तो ये चमक तुरंत समाप्त हो जाती है, क्योंकि शिव निकल गया तो शव रह गया। तो मेरे अंदर की चमक कौन है? शिव। कैसी चमक? कर्पूर की तरह, कपूर की तरह, जो चमकीली चमक है, हे शिव, वो तुम हो। और मैं तो तुम्हें सोच रहा था मेरे से बहुत दूर हो, लेकिन मेरे हृदय में सदा वसंतम, मेरे हृदय में आप सदा बसते हैं, मेरे नहीं हरेक के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भिंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशी शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भिंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशी शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सहत स्वर राग रागिनी मथुरासी यक्ष रक्ष भैरव जहां डोलत बोलत है वन के वासी नंदी भृंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशी शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है कुंजासी कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी काम धेनु कोटिन जहां डोलत करत दुग्ध की वर्षासी नंदी भृंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशी कांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि नृत्य छहो ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी ऋषि मुनि देव दनुज नित सेवत गान करत श्रुति गुण राशि नंदी भृंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशि ब्रह्मा विष्णु निहारत निसि दिन कछु शिव हमको फरमासी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित सत चित आनंद राशि जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल यम की फांसी नंदी भृंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशि त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर कासी दूर होए विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो नंदी भृंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशी शिव
सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। नंगी भृंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशी। नंगी भृंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशी। नंगी भृंगी नृत्य करत है भरत ध्यान सुर सुख राशी।